अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों ईदुल अज़हा का मौका करीब है और अब से हम 10-20-21 दिन के बाद ईदुल अज़हा मनाएंगे और ईदुल अज़हा के मौके पर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने महबूब तरीन माल से ख़रीदे हुए या अपनी प्यार और मोहब्बत से पाले हुए जानवरों को अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़बह कर देंगे, उनको क़ुरबान कर देंगे। अभी इसीलिए जानवरों के ख़रीदने का सिलसिला भी चल रहा है। जानवरों को जो क़ुरबानी के लिए ख़रीदे जाते हैं उनके ख़रीदने के बाद उनके साथ क्या करना चाहिए, आज मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जानवरों के साथ बदतमीज़ियाँ करते हैं और बहुत सारे लोग उन जानवरों की वक्त तलफी करते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं। इस सिलसिले में शरीयत मुताहरा ने हमारी क्या रहनुमाई की है ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। चंद बातें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जानवरों को ख़रीदने के बाद जानवर की खिदमत करें और उससे उनसियत और प्यार पैदा करें और उसे किसी किस्म की ईज़ा और तकलीफ़ न पहुँचाएँ। पहला काम जानवरों को ख़रीदने के बाद ये करें कि उनको किसी भी किस्म की अज़ियत और तकलीफ़ आपसे ना पहुँचे, बल्कि उनसे प्यार और उनसियत को बढ़ाएं, इसलिए कि वो जानवर आपकी जानिब से अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा और रोज़े महशर वो आपकी शफाअत और सिफारिश भी करेगा। तो उससे प्यार करेंगे तो वो हमारी दिल लगी के साथ और प्यार के साथ हमारी वहाँ सिफारिश भी करेगा, पहला काम। और दूसरा काम ये है, जानवर को ऐसी जगह बांधें जहां आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो, रास्ते और गलियों में हरगिज़ ना बांधें। ये अहले ईमान की शान नहीं है कि उनके किसी भी अमल से किसी भी राह गुजरने वाले को तकलीफ़ हो, इसलिए क़ुरबानी के जानवरों को ऐसी जगह पर बांधें जहां आपके उस जानवर के बांधने की वजह से किसी के रास्ते में गुजरने वाले की हक तलफी ना हो और उसको तकलीफ़ ना पहुंचे। देखा है गलियों में बांध देते हैं और फिर गुजरने वालों को उससे तकलीफ़ होती है, इसका भी अहतमाम करें। नंबर तीन, जानवरों को साफ़ सुथरा रखें और इसी तरीके पर उसके इर्द गिर्द भी सफाई सुथराई का खूब ख़ास ख्याल रखें। जानवरों को गंदा रखना और ख़ास तौर पर उस जानवर की सफाई का अहतमाम न करना जिसको आप अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर के क़ुरबानी करने के लिए लाए हैं और अल्लाह के हुजूर उसको पेश करने के लिए तैयार हैं, उसको गंदा रखना या उसके इर्द गिर्द और आसपास में गंदगी फैलाना इसकी अक़ल भी इजाज़त नहीं देती है, इसलिए इसका भी अहतमाम करें। जानवरों को आपस में लड़वाएँ ना और ना इसी तरीके पर जानवरों की आपस में दौड़ लगवाएं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो जानवर गली महल्ले में जब आ जाते हैं तो आपस में लड़ाना शुरू कर देते हैं, भाई ये इसका बकरा है, ये मेरा बकरा है, ये फलां का जानवर है और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। या अगर लड़वाते भी नहीं हैं तो बहुत सारे लोग रेस ही लगवाना शुरू कर देते हैं, दौड़ लगवाना शुरू कर देते हैं, ये भी क़ुरबानी के जानवर के साथ ना करें, इससे बचाएं अपने आप को। अगला काम है, जानवर के गले में बजने वाली घंटी बिल्कुल ना डालें। बहुत सारे लोग उनके पाँव में या इसी तरीके पर जानवरों के गलों में घुंघरू डाल देते हैं, घंटी डाल देते हैं जिसमें बजने की आवाज़ आती है, वो भी जानवर के गले और जिस्म में कहीं भी ना डालें। जानवर पर सवारी ना करें, ना ही उसका दूध पिएं, और अगर दूध निकाल लिया हो तो उसको सदका करें, जो ज़रूरतमंद और ग़रीब है उसी को वो दूध पहुंचा दें। ना तो जानवर पर सवारी कर सकते हैं और ना ही उसका दूध पी सकते हैं। अगर दूध निकाल लिया है जाने अनजाने में तो फिर उसको जिसकी जानिब से वो क़ुरबानी की जा रही है ना वो और ना कोई अमीर उसको इस्तेमाल कर सकता है, ना उसको बेच सकता है, बल्कि किसी को वो गरीब को सवाब की और सदक़े की नीयत से ज़रूरी है उसका देना।
इसी तरीके पर जानवर के ज़रिए से नामो नमूद नुमाइश और रियाकारी ना करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अपने जानवर जो कुर्बानी के ख़रीद कर लाते हैं फिर उसकी दिखावा रियाकारी करते हैं, भाई ये मेरा बकरा है, ये फुला का जानवर है, मैं इतने का लाया हूँ, मेरा इतना मोटा ताज़ा है। भाई हम इनको गली महल्ले वालों और अपने मुतालिकीन रिश्तेदारों को दिखाने के लिए तो नहीं लाए ना, हम ये जानवर लाए हैं अल्लाह को दिखलाने के लिए। और अल्लाह ताला देखता है हमारे दिल की हालत को, हमारी दिल की सूरत को, हमारे दिल में क्या है, कितना इखलास है। तो किसी के सामने नुमाइश रियाकारी और दिखावा भी जानवरों के ताल्लुक से बिल्कुल ना करें। अच्छा जी, अगला काम है, अगर जानवर में दीगर हिस्सेदार शरीक हों तो तमाम के तमाम हिस्सेदारों को भी उसके साथ यही मामला करना चाहिए जो बातें बतलाई हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक के ज़िम्मे छोड़ दिया जाए, बल्कि तमाम पार्टनर और हिस्सेदारों को जानवरों के इन हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी बातें वो हैं जो हमारे समाज में इनके खिलाफ की जाती हैं, इन तमाम पर अमल करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।